दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने YouTube वीडियोस बनाने के लिए अपलोड करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ। सो अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो शुरुआत में आप कम इन्वेस्ट में किस तरीके से एक प्रोफेशनल वीडियो अपना बना सकते हैं और शुरुआत में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी वो सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस। Let's start। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मेन चीज की जिसके बिना तो वीडियो शूट हो ही नहीं सकती है मेरी, विच इज मोबाइल फोन। यश, तो जो मैं मोबाइल फोन यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ Redmi Note 5 Pro, जिससे फिलहाल ये वीडियो शूट हो रही है, ठीक है जी। उसके अलावा जो वीडियो अभी आपको दिख रही है बिल्कुल स्टेबलाइज है, हिल तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऐसा दिख रहा, नहीं ना, एकदम स्टेबलाइज है। किसके कारण है? वो है ट्राइपॉड के कारण। अब जो मैं ट्राइपॉड यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ डिजिटेक का, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है डिजिटेक DTR590VD Pro। यस, ये थोड़ा बड़ा ट्राइपॉड है, ये स्पेशली DSLR वगैरह जो यूज करते हैं उससे वीडियो शूट करते हैं, DSLR से वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन भाई साहब हम मोबाइल फोन के लिए ये इतना बड़ा ट्राइपॉड यूज करते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट ही किया है, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो प्लीज ये मेरे जैसा ट्राइपॉड मत खरीदना। आप शुरुआत में आप सस्ता कोई दूसरा ट्राइपॉड ले सकते हैं, वैसे भी मोबाइल फोन से आप शूट करेंगे तो इतना बड़ा ट्राइपॉड आई थिंक सही नहीं है, ये सिर्फ DSLR के लिए बेस्ट है। उसके अलावा जो मेरे वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं। यस, किसके कारण? माइक के कारण। तो जो मैं माइक यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ बोया BYMN, जो कि अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस माइक की प्राइस वैसे 800 रुपीज़ है, बाकी प्राइस ऊपर नीचे इसकी होती रहती है। ये माइक एक बहुत अच्छा माइक है, मतलब 800 रुपये के अंदर आता है। ये DSLR में भी वर्क करता है, आपके मोबाइल फोन में भी वर्क करता है, PC में भी वर्क करता है, लैपटॉप में भी वर्क करता है, एंड काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी आपको दे देता है। सो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको माइक परचेस करना ही है तो बोया BYMN माइक परचेस करना, अगर आपका बजट कम है। अदरवाइज कोई उससे सस्ता जैसे 500 के 200 के भी काफ़ी माइक मिलते हैं, वो माइक आप परचेस मत करना, उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है। अगर परचेस करना ही है माइक तो एटलीस्ट बोया BYMN माइक परचेस करना, या फिर इससे कोई मेगा माइक हो वो परचेस करना, लेकिन इससे सस्ता माइक परचेस मत करना, उसकी क्वालिटी आपको फिर सही नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो आप मेरे को देख पा रहे हो सही तरीके से तो वो आप किसके कारण देख पा रहे हो? लाइट के कारण। मैं कौन सी लाइट यूज करता हूँ? देखो, कोई मैं पर्टिकुलर लाइट यूज नहीं करता हूँ, ना मैं रिंग लाइट यूज करता हूँ, ना सॉफ्ट बॉक्स यूज करता हूँ। जो मेरा ये रूम है ये पूरा वाइट पेंट नहीं है, ये पुट्टी है पूरा, और 3 बल्ब लगे हुए हैं जो ऊपर, ये ऊपर होती है ना जो हमारी वॉल, वहाँ पर जो होल्डर लगे होते हैं उसी में 3 LED बल्ब लगा रखे हैं बस। इसके अलावा कुछ रिंग लाइट, टॉप बॉक्स, ऐसा कुछ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एंड वीडियो क्वालिटी कैसी आती है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक इक्विपमेंट और यूज करता हूँ, वो है लैपटॉप मेरा, वो है Lenovo Slim 3। अब देखो मैं लैपटॉप में कौन कौन से काम करता हूँ, वीडियो एडिटिंग, उसमें से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये कोई भी काम मैं लैपटॉप में नहीं करता हूँ ये सारे काम मैं करते हैं फ़ोन में, चाहे वीडियो शूटिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वीडियो अपलोडिंग हो, चाहे थंबनेल डिजाइनिंग हो, सारी चीज़ मोबाइल फ़ोन से मैं करता हूँ। लैपटॉप है मेरे पास लेकिन कुछ रीज़न है जिसके कारण से मैं मोबाइल से ही करता हूँ, ठीक है। बाकी लैपटॉप से मैं एक काम करता हूँ यूट्यूब वीडियो का, वो ये है कि टाइटल, टैग एंड डिस्क्रिप्शन वो टाइप करता हूँ मैं लैपटॉप से, क्योंकि कीबोर्ड होता है तो फटाफट से हम लोग टाइप कर देते हैं, बस इतना काम करता हूँ मैं लैपटॉप से, बाकी सारा काम मेरा फ़ोन से ही हो जाता है। बाकी ऐसे इक्विपमेंट्स की अगर बात करें मेरे पास कौन कौन से हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास इक्विपमेंट्स के, पावर बैंक और ऐसे केबल्स वगैरह है ना, ऐसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन जो मेनली यूज़ होते हैं मेरी वीडियोज़ के लिए वो मैंने आपकी इस वीडियो में आपको बता दिए। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है एक भी, तो प्लीज़ कुछ परचेस मत करें आप मैन अपने कॉन्टेंट पर ध्यान दें, अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा ना तो अपने आप आपकी वीडियो बहुत अच्छी बन जाएगी, लोगों को पसंद आएगी, उसके बाद जब पैसा आएगा तो सारी चीज़ आप भी परचेस कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।